तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस टाइम हमें आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमें जल्दी 1K सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। तो गाइस यह अपडेट है राजा अजीत भाई की तरफ से। तो आप सभी को पता होगा कि राजा भाई ने कॉम्पीट किया था ताइवान प्रो शो में। बात करें की प्लेसिंग के बारे में तो दोस्तों ये टॉप 10 में प्लेस हुए हैं। यहाँ पर अभी यह कन्फर्म नहीं हुआ है की टॉप 10 में इनकी कौन सी प्लेसिंग आई है। तो जैसे ही ताइवान प्रो शो का स्कोर कार्ड आएगा उसमें आपको राजा भाई की प्लेसिंग कंफर्म हो जाएगी और उसकी अपडेट आपको इस चैनल पर मिल ही जाएगी। तो अब इनकी प्लेसिंग से हटकर बात कर लेते कि इन्होंने यहाँ पर कैसी बॉडी डिस्प्ले की थी। तो दोस्तों इस बात को कहते हुए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि राजा अजीत भाई जितने भी बाहर के बॉडी बिल्डर्स थे उनके सामने बहुत ही हल्के लग रहे थे साइज में। और बात करें इनकी कंडीशनिंग के बारे में तो गाइस अब की बार तो राजा अजीत भाई की कंडीशनिंग भी मिसिंग थी और इनका पोजिंग रूटीन भी पहले से बदला हुआ था। इसके बाद में आप राजा अजीत भाई को इस लाइनअप के साथ भी कंपेयर कर सकते हो कि ये कितने ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। डोमिनेट करने वाली तो बात यहाँ पर है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि आप इन सभी बॉडी बिल्डर्स के साइज को देख सकते हो कितने ज्यादा मैसिव लग रहे हैं। और इस वीडियो में आपको एक ही एथलीट दिख रहा है पर भाई सभी एथलीट्स यहाँ पर ऐसे ही थे। तो गाइस अब आप इन सभी को देख कर समझ ही सकते हो कि बाहर के एथलीट्स अब कितना ह्यूज मसल मास एड करे हुए हैं। दोस्तों अगर हमारे भी इंडियन एथलीट्स को बाहर जाकर क्वालिफाई करना है ओलंपिया के लिए तो उन्हें भी अपनी बॉडी में साइज एड करना होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ ही प्रोज ऐसे हैं जिनके पास क्वालिफाई करने वाली फिजिक है यानी मसल मास है उनकी बॉडी में। तो फ्रेंड्स हमारे जितने भी इंडिया के आईएबीवी प्रोज हैं वो चाहे बाहर खेलें या फिर इंडिया में खेलें उन्हें हर साल अपना बेटर और इम्प्रूव्ड पैकेज दिखाना चाहिए, जो ताइवान प्रो शो में राजा अजीत भाई ने बिल्कुल नहीं किया था। अगर भाई ऐसा ही चलता रहा तो ओलंपिया में टॉप 10 प्लेसिंग लाना तो दूर की बात है, क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं राजा अजीत भाई को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट दोस्तों ऐसा मैं भी इनका फैन हूँ और कई सालों से इन्हें फॉलो भी करता आ रहा हूँ। अगर ये अपने इसी ही पैकेज को और भी तगड़ा बना के आ जाए तो क्वालिफाई करना तो पक्का है। तो गाइस इनके बारे में आपके क्या थॉट्स एंड ओपिनियंस हैं कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात करेंगे अली बिलाल भाई की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों इनकी तरफ से अपडेट निकल कर आई है कि ये कॉम्पीट कर रहे हैं बिग एवोल्यूशन प्रो शो में जो 9 जुलाई को होने वाला है और आज 3 जुलाई हो चुकी है। तो गाइस ये है अली बिलाल भाई की 6 डेज आउट वाली फिजिक अपडेट जिसमें ये बहुत ही खतरनाक कंडीशनिंग शो कर रहे हैं और इनकी बॉडी का शेप भी यहाँ पर बहुत ही इंप्रेसिव है। इनकी बैक भी यहाँ पर अब रिप्ड हो चुकी है। इसके बाद में आते हैं अली बिलाल भाई के ऑब्लिक्स जिनकी तो क्या ही बात करें, ये तो सबसे खतरनाक और अनबीटेबल है। तो दोस्तों राजा अजीत भाई पहले बिग एवोल्यूशन प्रो शो में सेकंड प्लेस पर आए थे, अब देखते हैं ये शो को जीतकर क्वालिफाई कर पाते हैं ओलंपिया के लिए या फिर नहीं। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आई है नितिन चंदीला भाई की तरफ से। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि नितिन चंदीला भाई 3 डेज आउट है साउथ एशिया चैंपियनशिप से और ये है इनकी लेटेस्ट अपडेट जिसमें नितिन भाई बहुत ही बढ़िया शेप और कंडीशनिंग में नजर आ रहे हैं। इस अपडेट में जो नितिन भाई की कंडीशनिंग दिख रही है उसे देखकर तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अब की बार साउथ एशिया में इनकी लैब का सबसे बेस्ट पैकेज होने वाला है, क्योंकि इस ऑफ सीजन में इन्होंने अपनी बैक और फ्रंट दोनों को ही इम्प्रूव किया है जिसे आप इनकी बैक में क्लियर नोटिस कर सकते हो कि थिकनेस और कंडीशनिंग दोनों ही ऑन पॉइंट पर हैं। तो दोस्तों आपको नितिन चंदीला भाई की फिजिक अपडेट कैसी लगी और हाँ भाई आप सभी इनके लिए कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट जरूर लिखें ताकि ये यहाँ पर इंडिया का झंडा लहरा पाए। इनके बाद हम बात करेंगे मनोज सारंगपानी भाई की अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स इनकी तरफ से कोई फिजिक अपडेट तो नहीं है पर इन्होंने अपने इंस्टा पर एक छोटा सा क्यूने रखा है जिसमें इन्होंने बताया कि इनका अगला प्रो शो मुंबई प्रो शो होने वाला है और अब की बार इतनी खतरनाक इम्प्रूवमेंट करके आने वाले हैं जिनसे डायरेक्ट और अब की बार इतनी खतरनाक इम्प्रूवमेंट करके आने वाले हैं जिनसे ना ही टॉप 5 से बाहर होंगे बल्कि वन साइडेड विनर रहकर इस शो को जीत जाएंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे 2024 के ओलंपिया के लिए। और अब जल्द ही ये अपना ऑफ सीजन स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं ये अपनी बॉडी में कितनी इम्प्रूवमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट के बारे में जो है फ्रेंच डीनो की तरफ से। तो फाइनली फ्रेंच डीनो ने अपने अगले कॉम्पिटिशन की अनाउंसमेंट कर दिया जो होने वाला है बिग एवोल्यूशन प्रो शो और इस कॉम्पिटिशन को लेकर इनका कहना है कि ये इनका सबसे बड़ा और फर्स्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो दोस्तों आप इनकी बॉडी को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि अब की बार तो बिग एवोल्यूशन में तहलका मचने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल वाली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।